सुल्तान मसूद कोनिया के तख्त पर बैठ चुके हैं। देखकर उन्हें हम लोग खुश हुए, लेकिन उसके बाद फिर कबीले के बारे में खबर सुनी। मगर आप हरगिज़ फिक्र मत करें, हम हर चीज का उनसे हिसाब लेंगे। दिलों के अंदर आग यूं ही लगाए रखना। सुल्तान मसूद की तरफ से आने वाली मदद हमारी सरजमीनों पर इन जालिमों को तबाह और बर्बाद करके रख देगी। इंशाअल्लाह जनाब। जनाब, मदद आ भी जाए तो तकफूरों को शिकस्त कैसे दे सकते हैं? कोनूर ठीक कह रहा है जनाब, हर कोई इंतकाम चाहता है उस्मान साहब, मगर बुरसा हासिल नहीं किया जा सकता। क्या करेंगे जनाब? तकफूर पर हमला करने के लिए बुरसा हासिल करने की जरूरत नहीं, तकफूर बाज़ंतीनी है और बाज़ंतीनी सरजमीन जो नजदीक है कोपरो हिसार है, वो हम पर हमला करने के लिए वहां करारगाह बनाएंगे। अगर हम कोपरो हिसार हासिल कर लें तो उस सूरत उन्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तकफूर वालेंस, उसे लगता है कि हमें खत्म कर सकता है वो, लेकिन खात्मा दरअसल उसी का होगा। एक दफा सुल्तान की तरफ से मदद आ जाए तो फिर देखते हैं हमें क्या करना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ भाई सुंगो। जनाब, मुखबिरों ने खबर भेजी है। बताओ क्या है? सुल्तान मसूद जो सामान भेज रहे हैं, क्या वो तैफुर वालेंस और नायमान ने ले लिया है? अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बोरान? फतह के लिए मदद चाहिए। इन्होंने ठीक कहा, मदद के बगैर कोई फतह नहीं। कोनिया में तमाम हरकतें हमें फायदा दे रही थी। चलो चलो सरदारान, जानता हूं कि ये आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन फतह के लिए सबसे पहले इस रास्ते पर चलने के लिए दिल की जरूरत है। लेकिन ऐसे वक्त में क्या हम ऐसा करेंगे बताएं? उस्मान साहब, हुक्म दें, आपकी खातिर मैं इन लोगों से सच उगलवा सकता हूं। अब हम क्या करेंगे जनाब? सुल्तान मसूद की भेजी हुई मदद रोककर वो हमें कमजोर कर रहे हैं। सुल्तान मसूद के भेजे हुए हथियारों को रोककर वो समझते हैं कि हम खत्म हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा धचका है। वो हमसे क्यों डरेंगे? वो हमसे क्यों झिझकेंगे? हाँ, जिसको इतने धचके मिले हो, वक्त के साथ वो उनकी तरफ माइल हो जाता है। सुनो, सबसे खतरनाक भेड़िया जख्मी भेड़िया होता है।
वो इस वक्त तवक्को नहीं कर रहे होंगे हमारी किसी हरकत की। वो वहां सिर्फ और सिर्फ हमारी मौत का इंतजार कर रहे होंगे। यही वक्त है उन पर हमला करने का। ओनूर, ये बताओ जरा कि कोपरे हिसार का नक्शा है तुम्हारे पास? वो हमेशा मेरे पास होता है ताकि जरूरत के वक्त काम आ सके। अच्छा है, जरकुता है। जी जनाब। जैसे ही हम लोग वहां पहुंचेंगे तो वो बड़ी बड़ी ढालों के साथ हमारी तरफ आएंगे। सिपाही को बता दो जाके कि वो नेजे तैयार करें। जो आपका हुक्म मिले सरदार। क्या यकीन है जनाब? हाँ यकीन है, हाँ कोई शक नहीं, मुझे यकीन है। रात होते ही हम लोग दीवारों की तरफ जाएंगे। तमाम पहरेदार नींद में होंगे, उसी वक्त हमला करेंगे। जो हुक्म जना। ओनूर, यहां चार रास्ते हैं। तुम और तुम्हारे साथ सिपाही इन रास्तों से गुजरोगे। और जैसे ही अंदर दाखिल हो जाओगे दरवाजा बंद कर दोगे ताकि उनके सिपाही वहां हमारा पीछा ना कर सके। सरदाराम, आप लोग शुमाली रास्ता इस्तेमाल करते हुए अंदर दाखिल होंगे। जो आपका हुक्म। आप लोग उस तरफ जाएं। आप लोग जानते हैं कि क्या करना है। चलें। साथ रहोगे। हम तकफूर के हुजरे में जाएंगे बहुत खामोशी के साथ। आने की तवक्को नहीं कर रहे होंगे, सुकून की नींद सो रहे होंगे, लेकिन हम उन्हें अपनी तलवारों की आवाजों से जगा देंगे। जनाब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके साथ आऊं। शुक्रिया,
तो लश्कर का हिस्सा बनना चाहते हो तुम भी बालाबान, जीते रहो। बताओ मुझे क्या खबर है तकफूर के? हुजूर अभी तक नहीं, लेकिन जब वो आएंगे तो हम उनको खुशामदीद कहेंगे उस्मान साहब। ऐसा ही होगा। अफंदी, मुहाफिज यहां नहीं है, वो सो रहे हैं। जरा रोशनी करो। सिपाहियों को वापस देहात भेज दो। उस्मान अब नहीं रहा, ना ही उसमें लड़ने की ताकत है, ना इतनी हिम्मत है कि कोपरो हिसार पर हमला करे। उस्मान खत्म हो गया। खुशामदीद तकफूर हजरत। वहीं रुक जाओ। तुम मेरे कले में क्या कर रहे हो इस वक्त? तुम मेरी जमीन पर हो, मेरी सरजमीन पे होते हुए तुम वॉलेंस और नायमान से बात कर रहे हो। वैसे क्या जश्न मना लिया तुमने? हमने तो मना लिया। हाँ, तुमने मना लिया। हर जगह आग लगा दी, उनके खेमे जला दिए, मासूमों की जान ली। तुमने उस्मान के बाजू और टांगे काट दी। उसके अलावा खूनियों से आने वाली मदद को रोक दिया तुम लोगों ने। उस्मान के पास तो तिंके का भी सहारा नहीं बचा, वो तबाह हो चुका, खत्म हो चुका। देखो मेरी तरफ, क्या मर गया हूं मैं? उठ जाओ, उठो उठो। आ जाओ, उठ जाओ उठ जाओ, उठो। उठ जाओ, तुमने बेगुनाहों की जान ली, तुमने मासूमों की जान ली। अब उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। इस बार तो तुम जीत गए हो उस्मान, लेकिन तुम मरोगे। मरने के बाद भी इन सरजमीनों में जिंदा रहेंगे, लेकिन तुम्हें कल कोई याद करने वाला नहीं होगा। तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। हर जगह यहां काई झंडा लहराया जाए, हर किसी को बताया जाए कोपरू हिसार से तुर्कों की सरजमीन। जालिमों से कह दो जाके उस्मान सरदार उन्हीं की तरफ आ रहा है।
अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर।